तो वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए हम बात करते हैं एक रिलेटेड टू गॉड का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए आप बने रहिएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फायर इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया टू एंसोर द लेटर। अच्छा, अब यहाँ से देखिए आप, सो मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पे, ताकि, हाँ, इन ऑर्डर मीन्स आपका हो जाएगा इसलिए, है ना। सेक मीन्स क्या होता है कि सनसे होना, डगमगाना, है ही नहीं, या हिलना डुलना। तो यहाँ पे हिलना डुलना कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पे क्या होता है सनसे होना, ठीक है ना, विश्वास में सनसे होना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सनसे, है ना, सनसे। राइटर्स मीन्स आप जानते हैं कि जो लिंचो है उसी को राइटर्स कह रहे हैं, यानी लेखक का। फेथ माने भरोसा, गॉड मीन्स ईश्वर भगवान, ठीक है। पोस्ट मास्टर क्या होता है आपका, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, केम अप माने आया, विद एन आइडिया मीन्स एक विचार, टू एंसर यानी कि उत्तर देने के लिए, क्या आया पत्र का उत्तर देने के लिए, यानी कि जवाब देने के लिए, उसमें क्या आया विचार आया, ठीक है ना। केम केम आइडिया है, मतलब विचार आया, ठीक है ना। अच्छा, इसका सार क्या है कि ये कह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर है वो ऐसा ये नहीं चाहता है कि जो लिंचो है, ठीक है ना, उसका जो भरोसा है वो भगवान के प्रति टूट न जाए। वो इसलिए कुछ इसका उत्तर देना चाहता है, उसके मन में विचार आता है पोस्ट मास्टर के, ठीक है ना, कि ताकि जो उसका जो फैथ है, गॉड में फैथ है राइटर्स का, उसमें कोई संशय ना हो, ठीक है, सही है। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, जब वो ओपन माने कि जब वो खोलता है इसे, इट वाज एविडेंट, एविडेंट माने क्या होता है यहाँ पे, क्लियर है, साफ, दैट टू एंसर, साफ है कि टू एंसर इट, यानी कि इसमें उत्तर देने के लिए, इट नीडेड समथिंग, नीडेड मीन्स आवश्यकता, समथिंग माने कुछ, मोर देन मीन्स अपेक्षा, गुड विल माने कि सद्भावना, इंक एंड पेपर, यानी कि जो राइटर लिखा है पोस्ट मास्टर जब उसको खोलता है, जब उसको जब उसे पढ़ा, तो उसमें ये रहता है कि इसको सद्भावना से या इंक पेपर से कहीं ज़्यादा ही कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, यानी कि कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक, यहाँ तक हो गया ये। बट लेकिन ही स्टक, स्टक मीन्स क्या होता है, अडिग रहना, ठीक है ना, स्टक मीन्स क्या होता है, अडिग, यहाँ पे फंसना का मतलब कि फंसना तो होता है, लेकिन यहाँ पे अडिग होना होता है। रिजोल्यूशन यानी कि दृढ़, रिजोल्यूशन माने कि दृढ़, यानी कि दृढ़ संकल्प से, ठीक है ना। जो वो रहता है, जो पोस्ट मास्टर रहता है, वो भी अपने संकल्प यानी कि दृढ़ संकल्प से वो क्या रहता है, अडिग रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड मीन्स वो कहता है, ठीक है ना, फॉर मनी माने पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने जो उसके कर्मचारी हैं, पोस्ट मास्टर के जो कर्मचारी हैं, वो अपने कर्मचारियों से कहता है, ठीक है ना, पैसे के लिए, फॉर मनी माने कि अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने वह स्वयं खुद, गिव पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ मीन्स क्या होता है भाग, सैलरी मीन्स क्या होता है, सैलरी मीन्स तनख्वाह, ठीक है ना। हिज माने अपना, वो अपने तनख्वाह के कुछ भाग देता है, ठीक है ना, यानी कि जो उसका सैलरी रहता है उसमें से उसको क्या रहता है, कुछ पार्ट दे देता है, वो खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज, ओब्लाइज मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, तो आप ये नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं कि बाध्य होना, बाध्य माने कि वो भी ये सोचते हैं, ठीक है ना। सेवरल माने कई, फ्रेंड माने फ्रेंड ऑफ हिज वर, यानी कि उसके जो कई दोस्त हैं, यानी जो कर्मचारी हैं, ओब्लाइज यानी बात होते हैं, टू गिव समथिंग यानी कि उसको देने के लिए, कुछ उसको देने के लिए भी सोचते हैं। फायर मीन्स के लिए, एन एक्ट मीन्स क्या होता है, कार के लिए, ठीक है ना, चैरिटी, चैरिटी मीन्स क्या होता है, परोपकारिता, परोपकारिता, वो भी यानी कि जितने उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी इस परोपकारिता के लिए, ठीक है ना, इसको कुछ दान दे दें, वो सोचते हैं, ठीक है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर, ठीक है ना, टूगेदर द 100 pieces, यानी कि इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज मीन्स था, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ठीक है ना,
फॉर ह्यूम माने उसके लिए, टूगेदर मीन्स क्या होता है, टूगेदर मीन्स इकट्ठा करना, गेदर मीन्स क्या होता है इकट्ठा, इकट्ठा, टूगेदर मीन्स एक साथ क्या होता है, 100 pisos यानी कि ये क्या होता है इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल यानी कि यह असंभव सा था, ठीक है ना, एक साथ 100 pisos देना, ठीक है ना, ये कह रहा है कि एक साथ 100 pisos देना क्या था, असंभव था, सो इसलिए था ही वॉज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली, फार्मर किसान को अ लिटिल मोर देन हाफ मन क्या होता है आधे से ज़्यादा, ठीक है ना, अ लिटिल देन क्या है, अ लिटिल मोर देन हाफ मीन्स क्या होता है आधे से ज़्यादा, वो देने के लिए क्या होता है एबल माने योग्य, सेंड माने भेजने के लिए क्या होता है, वे सब जो है सम्मिल के यानी कि आधे से ज़्यादा उसे देने के लिए क्या होता है वो योग्य रहता है, सक्षम रहता है, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप यानी कि पुट माने के रखता है मनी माने पैसे को एन एनवेलप मीन्स एक लिफाफे में, ठीक है ना, एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस टू लेंचो माने ये लेंचो का पता लिखता है, ठीक है ना, एड्रेस्ड एड्रेस टू लेंचो यानी कि वो गलत लिफाफे में पैसा डालता है, ठीक है ना, और लेंचो का पता लिखता है, एंड विद और अ लेटर कंटेनिंग, कंटेनिंग मीन्स क्या होता है कि मिला होना, ठीक है ना, मिला होना या साथ में, मिला होना आप कह लीजिए या साथ, जो ओनली अ सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड मीन्स केवल एक शब्द, ठीक है ना, आईएस मीन्स के रूप में सिग्नेचर आप यानी कि उसका जब वो पैसा डालता है इनवेलप में लिफाफे में तो उसका उसके साथ एक पत्र भी डालता है, ठीक है ना, वो पत्र भी लिखता है, वो पत्र में क्या रहता है सिंगल वर्ड केवल एक मात्र शब्द रहता है, वो क्या रहता है गॉड यानी कि ईश्वर, द फॉलोइंग संडे ना जो अगले फॉलोइंग संडे मीन्स क्या होता है अगले रविवार जो आने वाला होता है, लेंचो केम अ बिट, बिट मीन्स क्या होता है थोड़ा अर्लियर माने पहले, ठीक है ना, थोड़ा पहले, अर्लियर माने पहले, यूजुअल माने यूजुअल टू आस्क अर्ली, यूजुअल माने सामान्य, वो सामान्य की अपेक्षा क्या होता है रोज की अपेक्षा वो थोड़ा पहले आता है रविवार के दिन ना आया, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, क्या उसके लिए, इफ माने यहाँ पे सेंस होगा आपका क्या, ठीक है ना, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो क्या था, वो खुद ही पोस्टमैन था, वो जिससे पूछ रहा है वो खुद ही पोस्टमैन था, हु हैंडेड, हु माने जो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, हैंडेड माने हाथों हाथ अपने हाथ से द लेटर टू हिम, मतलब कि क्या था वो खुद ही पोस्टमैन था जो कि उसे पत्र दिया था, ठीक है ना, टू हिम व्हाई माने जबकि आपका यहाँ हो गया, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग यानी कि क्या होता है अनुभव करते हुए, क्या होता है अनुभव, अनुभव करते हुए, करते हुए आपका अब कंटामिनेंट मतलब कि कंटामिनेंट मीन्स क्या होता है कि आपका संतुष्ट, संतुष्टि का या आप कह लीजिए कि संतोष का, ठीक है ना, आप द मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, डीड मीन्स कार्य या काम, ठीक है ना, ठीक, गुड माने आपका यहाँ हो जाएगा नेक या अच्छा, परफॉर्मेंस जो मतलब दिखाया था ना, जो अच्छा काम किया था यानी कि प्रदर्शित किया था, लुक्ड एंड फ्रॉम हिज ऑफिस, अच्छा यहाँ से देखिए, अच्छा अभी कह रहा है पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन यानी कि जो पोस्टमास्टर है उस आदमी का जो नेक कार्य किया था उस आदमी का वो क्या अनुभव कर रहा था, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ठीक है ना, जो पोस्टमास्टर था वो उस आदमी का, उस आदमी माने लेंचो का, ठीक है ना, जो उस आदमी का के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु माने जो हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ठीक है ना, जो कि वो नेक कार्य किया था, है ना, जो नेक कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था, ठीक है ना, देखा, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन्स क्या होता है एटलीस्ट यानी कि क्या होता है यहाँ पे जरा सा भी सरप्राइज मीन्स क्या होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य होना या आश्चर्यचकित होना, है ना, ठीक है ना, स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग माने देखकर, सीइंग माने यहाँ पे क्या होता है बच्चों
देखकर द मनी यानी कि पैसे को देखकर जो लेंचो है सोड यानी कि देखना देखा ठीक है ना। जब लेंचो पैसे को देखा नॉट स्लैशेस ऑन द सी मनी यानी कि जो लेंचो रहता है जब वो पैसे को देखता है तो वो जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं होता यानी कि उसको कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या होता है आत्मविश्वास, क्या होता है बच्चों आत्मविश्वास है ना। अब क्या होता है सच वाज इस प्रकार से जो मतलब उसका क्या था खुद का आत्मविश्वास था बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, एंग्री मीन्स क्या होता है गुस्सा होना या क्रोधी ना। सी बिकेम एंग्री वो क्रोधित हो गया यानी कि वो क्या हो गया वो गुस्सा गया गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड, काउंटेड मीन्स क्या होता है काउंट, काउंटेड काउंटेड है नहीं गिनना क्या होता है गिना। व्हेन माने जब ही काउंटेड द मनी जब उसने क्या किया जब पैसे को गिना गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मेड मीन्स मतलब क्या कर सकते हैं मिस्टेक माने गलती क्या होता है यहाँ पे आपका गलती। वो कह रहा है ईश्वर के लिए कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते है ना। अब देखिए लेंचो का बुद्धि कि वो कह रहा है भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते ना 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 तो कुड ही हैव डिनाइड मीन्स क्या होता है नकारना, यहाँ क्या होगा नकारना ना तो वो क्या कर सकते हैं हमें नकार सकते हैं यानी कि हमें यानी उस लेंचो को क्या कह मतलब कि लेंचो अपने के लिए कह सकता है कि ना तो भगवान उसे उसके साथ गलती कर सकते हैं ना तो उसके साथ मतलब उसे नकार सकते हैं। लेंचो व्हाट व्हाट वन यहाँ पे आपको हो जाएगा सेंस जो ही है रिक्वेस्टेड यानी कि जिसने कि वो क्या किया था निवेदन किया था विनती किया था वो कह रहा है कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स आपको बताया है अचानक तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ठीक है ना। जो लेंचो रहता है वेंट माने गया, वेंट अप टू द विंडो कहाँ गया खिड़की के पास जाता है टू आस्क माने पूछने के लिए, टू आस्क माने पूछने के लिए फॉर पेपर, पेपर और इंक को पूछने के लिए यानी कि वो तुरंत इमीडिएटली क्विकली हरी अप जल्दी से वो कहाँ गया जो लेंचो है वो खिड़की के पास तुरंत गया पूछने के लिए पेपर और इंक को पूछने के लिए। वो जाता है ऑन द पब्लिक राइटिंग, ऑन द पब्लिक राइटिंग मीन्स क्या होता है लोग ठीक है ना या आपका जनता ना। पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि क्या होता है जो जनता यानी कि जो लोगों का जो लिखने वाला टेबल रहता है उस पर गया। ही स्टार्टेड यानी शुरू किया राइट मीन्स लिखना, उसने लिखना शुरू किया विथ हिज रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि वो क्या करता है रिंकलिंग मीन्स क्या होता है सिकोड़ना। जैसे आप कुछ चीज़ लिखते हैं ना तो आपका जो ब्रो माने भाव ना, जब आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है आपका ब्रो क्या होता है ये जो भाव होता है वो सिकुड़ जाता है कि तो अपने सिकुड़ते हुए मतलब कि ब्रो के साथ क्या होता है वो लिखना शुरू कर देता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट, कॉज्ड बाय मीन्स क्या होता है एफर्ट मीन्स क्या होता है उसके प्रयास के की वजह से, वो अपने मतलब कि प्रयास की वजह से वो क्या कर रहा था कि सिकुड़ के लिख रहा था। यहाँ देखिए हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा भाव आइडिया माने विचार, वो अपने भाव के विचार से ही ठीक है ना, वो अपने भाव के विचार से जो उसको मतलब प्रयास करने पड़ते थे ठीक है ना, उसी की वजह से क्या कर रहा था वो अपना भाव सिकोड़ के लिख रहा था ठीक है ना। व्हेन ही फिनिश्ड यानी कि जैसे ही उसने क्या किया फिनिश माने पूर्ण है कि नहीं फिनिश 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 भी हो गया। ही वेंट टू द विंडो जैसे ही उसने मतलब फिनिश किया वो कहाँ गया विंडो के पास टू बाई स्टैम्प यानी टू माने के लिए बाई मीन्स खरीदना, स्टैम्प माने स्टैम्प होता है डाक टिकट ना, वो डाक टिकट खरीदने के लिए कहाँ गया विंडो के पास गया। बस एक मिनट के लिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ बने रहिए। देखिए विच ही लिक्ड अच्छा वो जब स्टैम्प के पास गया जब वो उससे वो डाक टिकट लिया विच हमारे जो ही लिक्ड अब उसने क्या किया लिक्ड मीन्स चाटना यहाँ क्या होगा चाटना। एंड देन और तब क्या क्या अफेक्ट मीन्स क्या होता है चिपकाना ठीक है। और आप सभी ने या तो आपके परिवार या घर वाले ने मतलब कि कभी किया होगा पोस्ट ऑफिस जाके ठीक है ना, तो डाक टिकट को लिया ठीक है ना और उसके बाद क्या किया उसको ऐसे मतलब चाटा फिर उसके बाद क्या किया चिपका दिया ठीक है ना। आप इसमें क्या होता है चिपकाना इनवलव ठीक है ना, टू द इनवलव यानी कि लिफाफे पर ठीक है ना लिफाफे पर विद अ ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है प्रहार करना है यहाँ पे ठीक है ना।
प्रहार करना, ठीक है ना। आप फिस्ट यानी कि मुट्ठी से, यानी कि मुक्का आप कर लीजिए मुक्के से, या तो आप मुट्ठी से कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वो क्या किया, जब पोस्ट मतलब कि वो टिकट लिया, टिकट लेने के बाद क्या किया उसको चिपकाया, ठीक है ना, चाटा, फिर चिपकाया, चिपकाने के बाद क्या किया मुट्ठी से उसको मतलब प्रहार किया, यानी उसको अब ऐसा कर दिया कि अब ये छूटने उठेगा नहीं है ना। द मोमेंट यानी कि उस क्षण, ठीक है ना, मोमेंट है द मोमेंट माने उस क्षण। द लेटर फेल इनटू, अब इस क्षण, अच्छा अब क्या, उस क्षण क्या होता है, जो लेटर था फेल इनटू माने गिर जाता है मेल बॉक्स में, क्या होता है पत्र पेटी में गिर जाता है। पोस्ट मास्टर, ठीक है ना, द पोस्ट मास्टर वेंट, गो वेंट का तो ये क्या है सेकंड फॉर्म में वेंट माने गया, टू ओपन इट यानी कि जैसे ही वो जो पत्र होता है वो पत्र पेटिका में गिरता है तो जो डाकमैन होता है, जो डाकिया होता है वो जाता है, ठीक है ना, गया। एंड अच्छा इट्स सैड, अच्छा उसमें लिखा क्या होता है गॉड, और ये गॉड किसने लिखा होता है, लेंचो लिखे लिखा होता है, आप द मनी, ठीक है ना, पैसों के लिए, जो पैसे दैट माने कि आई आस्क, आई आस्क मीन्स मतलब पूछना है अपने होता, जो पैसे वो कहा था, ठीक है ना। आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस, रीच, रीच मीन्स क्या होता है पहुंचना, है ना, अभी क्या होता है 70 मतलब कि फॉर ओनली मान केवल 70 पेसोस उसके पास पहुंचे थे। वो लेंचो कह रहा है कि वो उसमें लिखा है कि उसमें केवल 70 ही पेसोस पहुँच पाए थे मैं, यानी उसके पास, किस पास, लेंचो पास। सेंड मी यानी कि मुझे भेज दीजिए, रेस्ट मिस क्या होता है यहाँ पे, रेस्ट मिस आराम नहीं बच्चों, सेस है ना, रेस्ट मिस सेस, सिंस माने क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि यानी कि निश्चित रूप से आप इसमें दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आई नीड, नीड मिस क्या होता है रिक्वायर्ड में, जरूरत है कि नहीं, जरूरत है। इट माने इसकी, वेरी मच माने बहुत ज़्यादा, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि जो और शेष बचा हुआ है उसको और मतलब कि भेज दीजिए, ठीक है ना, जो बचा हुआ है वो मेरे पास भेज दीजिए। बट लेकिन डोंट सेंड मतलब कि नहीं भेजना, इट इसे मत भेजिएगा, टू मी मेरे पास इसे मत भेजिएगा, थ्रू मीन्स क्या होता है द्वारा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, द्वारा, द मेल, मेल के द्वारा, वो क्या जो लिंचू है वो क्या कह रहा है, मेल के द्वारा मत भेजिएगा ना, बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि जानते हैं आप, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स यानी क्या है, बेईमानों के समूह, क्या है, बेईमानों के, बेईमानों के समूह, ठीक है ना, बंच मिस क्या होता है ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो क्रूक्स माने बेईमान, ठीक है ना, वो क्या है, वो बेईमानों के समूह है, उनके द्वारा, मेल के द्वारा यानी कि आप हमें पैसे मत भेजिएगा। लास्ट में क्या लिखता है, लेंचो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आज का आपका एक पार्ट ये क्लियर हुआ, एक्सेप्टर ए लेटर टू गॉड। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेल्सन मंडेला जो चैप्टर 2 है। थैंक यू सो मच, और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि आप एक सब्सक्राइबर हो तो अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपकी मदद तो हो ही रही है, साथ साथ उनकी भी हो। थैंक यू सो मच।